हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 का इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे चैप्टर 2 जो कि आपको बताए जा चुके हैं, और चैप्टर 1 द गोल्ड वॉच का क्वेश्चन आंसर बताया जा चुका है। आइए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को चेक करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट यूपी बोर्ड में प्रतिवर्ष आते हैं। देखें, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेशनल इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ। ये पहला क्वेश्चन है कि एस्ट्रोलॉजर के जो व्यवसाय से संबंधित जो वस्तुएं थी कौन कौन सी उससे थी, तो इसका आंसर देखें, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेशनल इक्विपमेंट कंसिस्टेड ऑफ अ डजन कौरी सेल्स, अ स्क्वायर क्लॉथ, ए नोटबुक एंड अ बंडल ऑफ पामरा राइटिंग। तो ये बताया जा रहा है कि एस्ट्रोलॉजर की जो व्यवसाय से संबंधित जो इक्विपमेंट थी, वस्तुएं थी, वो एक दर्जन कौड़ी सेल थे, एक वर्गा कार कोई कागज टुकड़ा था कपड़े का, और एक नोटबुक था, और ये ताड़ के पत्तों की एक लिखने की कोई एक बंडल था, पत्र प्रपत्र। तो क्वेश्चन नंबर 2 चेक करें, वेयर डिड द एस्ट्रोलॉजर सीट टू कैरी आउट हिज बिजनेस। जो ज्योतिष था अपने बिजनेस को कहाँ चलाता था। देखें, द एस्ट्रोलॉजर साइट अंडर द बॉक्स ऑफ ए स्प्रेडिंग टेमरिंड ट्री, इट वॉज ए सर्गिंग क्राउड प्लेस एंड नियर बी इट देर वेयर मैनी शॉप्स एज मेडिसिन सेलर, सेलर ऑफ स्टोलेन हार्डवेयर, मैजिशियन, चीप क्लोथ सेलर एंड ए ग्राउंड नट सेलर नेक्स्ट टू हिम। देखें, ये बताया जा रहा है कि जहाँ पर वो बैठता था, इमली के पेड़ के नीचे, एन एस्ट्रोलॉजर साइट अंडर द बॉक्स ऑफ अ स्प्रेडिंग टेमारिंड ट्री, यानी कि उस इमली के वृक्ष के नीचे, शाखाओं के फैले हुए शाखाओं के नीचे बैठ जाया करता था, और वहाँ पर काफ़ी भीड़ हुआ करती थी। इट वॉज अ सर्गिंग क्राउड पैलेस, वह जो स्थान था भीड़ भरा हुआ स्थान हुआ करता था, और उसके पास में बहुत सी दुकानें थी, नियर बी मेनी शॉप्स, जैसे मेडिसिन सेलर और स्टूलेन ऑफ हार्डवेयर, जादूगर का, चीप सस्ते कपड़े का, और एक ग्राउंड नट मूंगफली वाले का उसके आगे जो शॉप थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाई डिड द एस्ट्रोलॉजर लेफ्ट हिज विलेज। एस्ट्रोलॉजर अपने गांव को क्यों छोड़ दिया, उसे क्यों छोड़ना पड़ा। तो बताया गया है आपको क्या किया था, द एस्ट्रोलॉजर हैड लेफ्ट हिज विलेज बिकॉज ही पास्ड अ नाइफ थ्रू द बॉडी ऑफ हिज फ्रेंड गुरु नायक। वो छोड़ दिया इसलिए क्योंकि गांव में उसने अपने दोस्त, उसका जो हुआ करता था गुरु नायक, उसको चाकू घोप दिया था उसके बॉडी में, एंड उसके भय से इतना दूर चलाया था, एंड पुश्ड हिम इनटू अ वेल, उसको कुएं में ढकेल दिया था, आफ्टर दे ड्रंक एंड क्वारल बैडली वन डे, काफ़ी शराब पी थी और झगड़ा किया था, और इसमें वो उसको छुरा मारने के बाद, चाकू मारने के बाद पास में ही खेत में कुआं था, उसमें ढकेल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मच मनी डिड द एस्ट्रोलॉजर चार्ज पर क्वेश्चन। कितना पैसे लेता था हर एक प्रश्न के लिए। तो 3 पाइस, द एस्ट्रोलॉजर चार्ज ओनली 3 पाइस पर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, Why did the astrologer feel uncomfortable after seeing the customer? उस ग्राहक को देखने के बाद जो ज्योतिषी था उस दिन काफ़ी असहजता, uncomfortable क्यों दिखाई देने लगा, असहजता क्यों महसूस करने लगा। तो आपको पता ही होगा कि उस दिन शाम को जब चलने को हुआ तो एक अजनबी आया जस्ट उसके सामने, और वही अजनबी था जिसको वह गांव में झगड़ा करके कुएं में मरा हुआ जानकर ढकेल दिया और इतने दूर चलाया। वह आदमी आज भी जीवित है, उसका पीछा करते करते यहां आया, जब पहचान लिया एस्ट्रोलॉजर तो काफ़ी भयभीत हो गया और असहजता महसूस करने लगा। देखें, एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल आफ्टर सीइंग द कस्टमर बिकॉज व्हेन ही वाज रेडी टू गो होम हिज फ्रेंड गुरु नायक वॉज स्टैंडिंग बिफोर हिम हुम ही हैड ट्राइड टू किल एंड पुश इन टू अ वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें,
हाउ कुड द एस्ट्रोलॉजर गेट रीड ऑफ द स्ट्रेंजर, किस प्रकार से उस अजनबी से जो ज्योतिष था अपना पीछा छुड़ाया छुटकारा पाई। तो द एस्ट्रोलॉजर कुड गेट रीड ऑफ द स्ट्रेंजर बाई टेलिंग हिम दैट हिज इनिमी हैड डाइड 4 मंथ एगो क्रश्ड अंडर ए लोरी। क्योंकि जो ज्योतिष था उसने बताया उस अजनबी को कि तुम्हारा जो शत्रु है, इनमी है, दोस्त शत्रु है, वो 4 महीने पहले ही किसी ट्रक के नीचे आकर के दबकर मर गया, इस तरह से पीछा छुड़ाने में सफलता हासिल किया वह एस्ट्रोलॉजर। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है और निश्चित तौर पर 1 क्वेश्चन इसमें से यूपी बोर्ड में टच किए जाते हैं, इसको नोट कर लें। तो स्टूडेंट थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।